साल हो गए यहीं पे भटकते हुए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कोई सदगुरु नहीं आ पा रहा। गुरु तो आ रहे हैं, गुरु तो बहुत है, हर गली में गुरु बैठा है, लेकिन जो भेदी सदगुरु है वो हमें नहीं मिल पाता। और वो भेदी सदगुरु कौन है? वो परम शक्ति है जो एक गुरु का रूप धारण करके इस दुनिया में आती है और युगों युगों तक जीवों को चेताती है। उस शक्ति का नाम ही कबीर है। जो सतगुरु कबीर साहब हैं, वही वो परम पुरुष हैं जो हम लोगों पे दया करके हमें जगाने के लिए हर युग में आते हैं, लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते। हम उन्हें अपने जैसा मान बैठते हैं कि वो भी हमारी तरह इस दुनिया में आ रहे हैं माँ के गर्भ से, और हमारी तरह ही जीवन बिता के भक्ति करके वापस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये सत्य है कि उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम मालिक को जान नहीं पाते। कब जान पाते हैं? जब हम संतों की वाणियां पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें ये चीज समझ में आती है कि भाई कोई है ऐसा इस दुनिया में जो हमारे लिए बार बार इस दुनिया में आ रहा है। तो साहिब कहते हैं, संतो अभिगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना अगर बसेरा, बालक हुए दिखलाया। मैं जब भी आता हूं इस दुनिया में तो मुझे मां की जरूरत नहीं पड़ती, किसी गर्भ की जरूरत नहीं पड़ती, बिना गर्भ के आता हूं मैं। और कहां आता हूं? कमल के फूल पे प्रकट होता हूं। काशी में लहरतारा में जो कमल का फूल था उस पे कबीर साहब प्रकट हुए, उसके पीछे भी भेद था। कमल के फूल पे ही प्रकट क्यों हुए? कहीं और हो जाते, तालाब के बाहर हो जाते, लेकिन नहीं। वो संकेत था कि मेरा जो असली वास है वो कमल के ऊपर है, लेकिन वो कमल कहां है ये हमें समझ में नहीं आता। हम काशी वाले कमल तक ही सीमित रह गए। हम उसी को वो कमल मानने लगे जहां कबीर साहब प्रकट होते हैं, उसी की फोटो देख देख के हम ये बोलते रहे कि कबीर साहब काशी में कमल के ऊपर प्रकट हुए थे और चले गए। वो कहीं नहीं गए, वो आज भी हैं, आज भी उसी कमल पे विराजमान हैं, लेकिन वो कमल ही समझ में नहीं आ रहा हमें कहां पे। तो सब